नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बताऊंगी स्मार्ट स्टडी कैसे की जाए। आप सब जानते हैं, हर विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, हर विद्यार्थी सक्सेस होना चाहता है। तो क्या ऐसा करें कि आप सक्सेस हो जाए, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ सक्सेस टिप्स, ताकि आप ऐसा करें कि जो पढ़ रहे हैं उसके आधार पर ही आप सिलेक्शन ले पाए। आप सब जानते हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 5 या 6 साल, कई विद्यार्थी 2 या 3 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, ऐसा क्या कारण है? तो विद्यार्थियों, यही फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में, कि जो विद्यार्थी 4 या 5 महीने की मेहनत में सक्सेस हो जाते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं, कई विद्यार्थी 2-3 साल बाद भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते। तो क्या है स्मार्ट वर्किंग? हम स्मार्ट वर्किंग के अंदर ऐसा क्या करें ताकि हम अच्छे से तैयारी कर सकें और हम सफलता के नज़दीक पहुंच सकें? क्योंकि आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, अगर रास्ता ठीक है तो मंजिल मिल ही जाती है, लेकिन अगर आपका रास्ता ही गलत है और आप रास्ते से भटक गए हो, तो आप अपनी मंजिल को नहीं पा सकते, सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते। तो आपको स्मार्ट स्टडी कैसे करें, इसके लिए सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हार्ड वर्क क्या होता है और स्मार्ट वर्क क्या होता है। स्मार्ट वर्क होता है आपकी योजना कितनी अच्छी है। हार्ड वर्क में पढ़ता रहता है, लेकिन उसकी योजना और प्लानिंग नहीं होती है। तो आप स्मार्ट वर्किंग कैसे करें, इसका पहला बिंदु है विद्यार्थियों, लक्ष्य का निर्धारण करना। अगर आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके लक्ष्य का निर्धारण होना चाहिए। कई विद्यार्थी कहते हैं, हमने सारे फॉर्म भर दिए, हम रीट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, हम पटवारी का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, राजस्थान हाईकोर्ट की बच्चों वैकेंसी आई हुई है, कई बच्चे बोलते हैं हम उसकी भी तैयारी करते हैं। तो नहीं विद्यार्थियों, अगर आप 10 नावों पर सवार होंगे तो आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले निर्धारित करना है कि हमें टीचर बनना है, या हमें फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना है, हमें सेकंड ग्रेड टीचर बनना है, हमें राजस्थान पुलिस में जाना है, हमें हाई कोर्ट में जाना है। अपनी क्षमताओं को पहचान कर अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है आपको। तो स्मार्ट स्टडी का फर्स्ट ऑफ रूल यही है कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके प्रति अपने आप को पूरी तरह से झोंक देना है, पूरी तरह से मेहनत करने के लिए दृढ़ निश्चयी हो जाना है। और जिस दिन आपने सोच लिया विद्यार्थियों, लक्ष्य का निर्धारण कर लिया और दृढ़ निश्चयी हो गए, उस दिन मान लेना विद्यार्थियों कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, केवल एक मोहर लगाना बाकी है। तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रूल स्मार्ट स्टडी का यही होगा कि आपको अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। सेकंड बात यह है कि अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं स्मार्ट स्टडी, तो दूसरा रूल ये है, आपका सिलेबस आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। पूरे सिलेबस के टॉपिकों को आप एक एक करके सबको देखेंगे, पूरी तरीके से एक एक टॉपिक आपको याद होना चाहिए। जैसा कि मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि मैंने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो उनमें मैंने सबसे पहले सिलेबस के टॉपिक्स को उठाया, सिलेबस को देखा है, और अपनी स्टडी टेबल पर हमेशा मैंने अपनी जो आपका सिलेबस है उसको लगा करके रखा है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को लगा करके रखना है। सिलेबस आपके सामने होगा तो आप उसके टॉपिक वाइज पढ़ सकेंगे। तो दूसरा रूल है, सिलेबस आपका पूरा रटा हुआ होना चाहिए। आप कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी भी जगह पर जा रहे हैं, कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे लाइब्रेरी में पढ़ो, चाहे कॉलेज में पढ़ो, चाहे आप घर में पढ़ रहे हो, हर जगह आपको सिलेबस याद रहना चाहिए। ये स्मार्ट स्टडी का सेकंड रूल है विद्यार्थियों। तीसरा रूल जो विद्यार्थियों आपके सामने आता है, पुराने पेपर्स का मूल्यांकन। हमने सिलेबस पूरा देख लिया, हमने लक्ष्य का निर्धारण कर लिया, अब देखना है पिछले पुराने 10 साल के पेपर को उठा करके देखना है, उनका मूल्यांकन करना है कि पिछले पेपर्स में
पॉलिटिकल साइंस से कितने क्वेश्चंस आए हैं, इतिहास से कितने क्वेश्चंस आए हैं, रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस आए हैं, मैथमेटिक्स से कितने क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे ट्रेंड बना हुआ है, पॉलिटिकल साइंस का ट्रेंड है कि राष्ट्रपति में से क्वेश्चन आना ही आना है, वित्त आयोग में से क्वेश्चन आना ही आना है, निर्वाचन आयोग में से क्वेश्चन आना ही आना है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से शॉर्ट टॉपिक्स हैं लेकिन उनमें क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो आपके पुराने पेपर्स का आपको मूल्यांकन करना है कि पुराने पेपर के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। 10 साल के पेपर्स आपके सामने अवेलेबल होने चाहिए। तीसरा रूल, पहला बताया लक्ष्य का निर्धारण, दूसरा बताया सिलेबस को पूरा रट लेना है, पाठ्यक्रम का ज्ञान आपको पूरा होना चाहिए, और तीसरा मैंने आपको बताया पुराने पेपर को आपको इवॉल्यूशन करना है, उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, अब बात आती है चौथा क्या करें हम। चौथा बात अब आती है, हम स्मार्ट स्टडी पढ़ने के लिए तैयार हो गए। अब तक हमने केवल अपने माइंड को प्रिपेयर किया है, अब आते हैं स्टडी किस में करें। देखो विद्यार्थी, स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपके पास की जो किताबें हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। आप सब जानते हैं गाइडों में मार्केट में भरा पड़ा है, लेकिन आप गाइडों के चक्कर में ना पड़े, अपने टॉपिक्स और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑथेंटिक बुक्स ले, उसको एक बार पढ़े, पढ़ने के बाद में उसको समझे, समझने के बाद में उसको क्या करें, अपने आप का ये देखें कि इनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं, उसके बाद जो है उसी बुक में से आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। तो किताब ऑथेंटिक लेनी है और उस किताब को पढ़ना है, समझना है, देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस पिछले सालों में आए हैं, उसके आधार पर आपको नोट्स बनाने हैं। किताबें RBSC, आपकी NCERT, जो CBSE बोर्ड की जितनी भी बुक्स हैं वो ऑथेंटिक मानी जाती है। जैसे मेरा मानना है इतिहास में यशपाल ग्रोवर साहब की, आपके पॉलिटिकल साइंस में लक्ष्मीकांत की सबसे अच्छी बुक्स मानी जाती है। तो जो अच्छे राइटर्स हैं जिनकी ऑथेंटिक बुक्स हैं उनको हमें क्या करना चाहिए विद्यार्थियों, पढ़ना चाहिए। तो किताबें हमेशा अच्छी होनी चाहिए, और अगर आप मार्केट से गाइड ले रहे हैं तो आप ये ले सकते हैं कि जैसे आपको इतिहास में कुछ टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहे, उनको शॉर्ट में आपको समझना है, तो एक गाइड जो ऑथेंटिक हो उसको आप खरीद सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बुक्स आपको नहीं खरीदनी है विद्यार्थियों, टॉपिक से रिलेटेड 3 या 4 ऑथेंटिक बुकों में से आपको नोट्स बनाने हैं, आपको ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो आपकी किताबें हमने ले ली, अब किताबों में से हमें क्या करना है, किताबों के बाद हमें दोनों पेपर, मान लो आपका टाइम टेबल ऐसा है जिसमें 2 पेपर आने वाले हैं, जैसे RPSC फर्स्ट ग्रेड की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो 2 पेपर आते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड ग्रेड पेपर। आपका RPSC सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी 2 पेपर आते हैं। तो अगर 2 पेपर हैं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपका टाइम टेबल जो है वो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए विद्यार्थियों। आप मान लो 10 या 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 घंटे आपको पेपर फर्स्ट को देना है, 6 घंटे आपको पेपर सेकंड को देना है। ये नहीं है कि आप पेपर फर्स्ट को पढ़े जा रहे हैं और सेकंड पेपर को देख ही नहीं रहे। बाकी आपको पता है कि सेकंड पेपर 300 नंबर का है और 200 नंबर का फर्स्ट पेपर है, लेकिन आपने वेटेज किसको दिया, आपने फर्स्ट पेपर को वेटेज दिया, तो वो सही नहीं है विद्यार्थियों। आपको दोनों पेपर को समान वेटेज देना है, समान तरीके से उनको पढ़ना है, आपको एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है कि एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, किस पार्ट से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर ज़्यादा जोर देना है। तो हमने किताबों को देख लिया, किताबों के आधार पर हमें दोनों पेपर पे ध्यान देना है। अगर एक पेपर है तो उसमें भी आपको सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेना है कि आपके 6 सब्जेक्ट इसमें आने वाले हैं, तो 3 सब्जेक्ट को मैं 4 घंटे दूंगा, 3 सब्जेक्ट को मैं 6 घंटे दूंगा जो हार्ड वाले हैं। ठीक है विद्यार्थी, अब बात आती है कि आपने देख लिया दो, अब आप 2 या 3 जो आपने पेपर हो सकते हैं उनके आधार पर आपने विभाजन भी कर लिया, लेकिन इसके बाद आपको ये नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को 10 घंटे तक पढ़ें, नहीं,
आपको दो या तीन सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर के चलना है। जैसे जब मैं पढ़ती थी तो मेरा मानना ये था कि जो सुबह मैं साइंस को पढ़ती थी, दोपहर में जहाँ मुझे था कि ये मेरा मजबूत पार्ट है तो पॉलिटिकल साइंस को मैं दोपहर में पढ़ती थी, शाम को मैं हिस्ट्री को देती थी और फिर उसके बाद मैं जो है जीके के जो पार्ट्स हैं आपके उनको देती थी, करंट जीके को देती थी। तो एक घंटा मेरे को करंट जीके का देना होता था, दो घंटा मैंने हिस्ट्री को दिया। तो आपको कार्य विभाजन करना है, ये नहीं है कि आप इतिहास को 15 दिन से एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जा रहे हो। एक तो आपको याद नहीं होगा, एक आपको बोरियत आएगी उससे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपके 10 पेपर हैं या आपके 6 पेपर हैं या आपके 4 पेपर हैं तो कम से कम दो या तीन पेपर को आपको साथ में लेकर के चलना है विद्यार्थी। ये नहीं है कि एक ही पेपर को आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, आपको दो या तीन पेपर को साथ में लेकर के चलना है विद्यार्थियों। तो पहला बताया लक्ष्य का निर्धारण, दूसरा सिलेबस को रट लेना है, तीसरा पुराने पेपर्स का मूल्यांकन करना है, चौथा ऑथेंटिक किताबें पढ़नी है, पांचवा आपको अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। अगर दो पेपर है तो उसके आधार पर अपने टाइम टेबल का विभाजन करें। इसके बाद आप दो या तीन सब्जेक्ट को साथ में पढ़े विद्यार्थियों, एक ही सब्जेक्ट को 15 दिन तक लगातार ना पढ़े, साथ में पैरेलल चलाए ताकि आपका दो या तीन महीने में एक बार में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद्यार्थियों। ये कर लिया। अब विद्यार्थियों जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रही हूँ आपको वो है कि आपको एक बुक ले, एक कॉपी लेनी है, एक नोटबुक में आपको लिखना है कि आपका मजबूत पार्ट क्या है और आपका कमज़ोर पार्ट क्या है। हम सब जानते हैं विद्यार्थियों, हमारा मानवीय स्वभाव है कि हम नेगेटिव चीज़ों पर हमारा ज़्यादा ध्यान जाता है, पॉजिटिव जो हमारे अंदर जो भरा पड़ा ज्ञान है उसको हम नहीं दे पाती। और अगर पॉजिटिव पे नेगेटिव हावी हो जाता है तो हम सफलता कभी भी अर्जित नहीं कर सकते। हमें हमारे मजबूत पार्ट को और ज़्यादा मजबूत करना है। और ध्यान रखना, सफलता तभी हासिल की जा सकती है, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग करता है हमारा मजबूत पार्ट। तो हमारा जो मजबूत पार्ट है उसको एक तरफ लिख लेना है और हमारे कमज़ोर पार्ट को हमें एक तरफ लिख लेना है। आपको ये लिखने के लिए क्या करना है, जैसे मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ विद्यार्थियों कि मुझे पता था मेरा एक मजबूत हिस्सा है मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। मुझे पता था इसमें कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ गया जीके पार्ट्स में तो मैं उसको कर जाऊँगी, 10 में से 9 क्वेश्चंस मैं छोड़ नहीं सकती थी, ये मेरा मानना था, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता था कि मैं इसमें क्वेश्चन छोड़ ही नहीं सकती। हिस्ट्री भी मेरी ठीक थी, राजस्थान इतिहास एंड कल्चर कंपटीशन क्लासेस में पढ़ाने के कारण मेरा बहुत अच्छा हो चुका था, उसमें मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब मैंने देखा कि मेरा कमज़ोर पार्ट, अब यहाँ पर मेरा मजबूत पार्ट में से मेरा 60% या 70% जो पेपर था वो क्लियर हो रहा था विद्यार्थी। अब मेरा जो कमज़ोर पार्ट था, उस कमज़ोर पार्ट में मेरा सबसे बड़ा कमज़ोर पार्ट था मेरी मैथमेटिक्स, क्योंकि आर्ट्स के विद्यार्थियों की मैथमेटिक्स कमज़ोर होती है और मान के चलना जो मैथमेटिक्स वाले हैं उनकी जीके कमज़ोर होती है। तो आप ये मत समझना कि मेरा ही कमज़ोर पार्ट है, हर विद्यार्थी का, हर छात्र का या हर इंसान का कमज़ोर भाग जरूर होता है और उसका मजबूत पार्ट भी जरूर होता है। तो मैथमेटिक्स और साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं उनका इतिहास पॉलिटिकल साइंस कमज़ोर होता है और जो आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं उनका आर्ट्स वाला सब्जेक्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आनी थी, मेरी मैथमेटिक्स और साइंस भी मेरी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उन पार्ट्स को इधर लिख लिया कि मैं मैथमेटिक्स और साइंस मेरा कमज़ोर पार्ट है और इधर मेरा ये इतना अच्छा पार्ट है। मुझे पता था मुझे पॉलिटिकल साइंस जीके में देखने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल लेक्चर फर्स्ट ग्रेड की बात कर रही हूँ मैं। इधर आप जो आपके मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट था उसमें मेरा कमज़ोर था। मैथमेटिक्स में मैंने उन चीज़ों को ज़्यादा देखा जो मेरा मजबूती था, थोड़ा ठीक था मैंने उनको लिखा, मैंने उनको मजबूत करके मजबूत वाले पार्ट में लिखना स्टार्ट कर दिया विद्यार्थियों। मुझे लगा कि मेरा ये जो कमज़ोर पार्ट है मुझे इसको मजबूत वाले पार्ट में शामिल करना है ताकि मैं 80% अचीव कर सकूं। तो मैंने अपने नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव बनाने का कोशिश करी और जो मजबूत पार्ट था उसको छोड़ा नहीं है, क्योंकि मजबूत
को और मजबूत करेंगे तभी तो हम क्या कर पाएंगे, 60 या 70 का जो रेशो है, हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं, अगर हमारे मजबूत पार्ट में से गलत हो गए तो विद्यार्थी हम कभी भी सिलेक्शन नहीं ले सकते, और कमज़ोर वाले पार्ट्स को मजबूत अगर हम बना लेंगे तो हम बाकी लोगों से आगे पहुंच जाएंगे विद्यार्थियों। तो बाकी लोगों से आगे पहुंचने के लिए कमज़ोर पार्ट को मजबूत बनाना है और मजबूत पार्ट को और मजबूत बनाना है। तो इसके लिए आपको नोटबुक में इस चीज़ को लिख लेना है कि मजबूत पार्ट कौन सा है और मेरा कमज़ोर पार्ट कौन सा है। और हर विद्यार्थी का 60 या 70% भाग मजबूत होता है, 30 या 40% भाग हर विद्यार्थी का कमज़ोर होता है। तो आपको इस चीज़ को देख लेना है। अब विद्यार्थियों एक चीज़ और करनी है आपको, भाग जो है आपका वो छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर कई टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे होते हैं लेकिन आपने पिछले सॉल्यूशन पेपर में अगर उनको देखा कि वास्तव में क्या है उनमें, वो पार्ट छोटा है लेकिन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे मुझे पता था स्कूल लेक्चरर में मेरे करंट जीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले थे, तो मुझे पता था करण जीके का पार्ट जो है कहीं से भी करण जीके पूछा जा सकता है, लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे थे जिनमें पता था कि क्वेश्चन 100% आना ही है, तो मैंने उन टॉपिक्स को उठाया और उन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट किया। तो आपको भी यही करना है कि जो पार्ट्स छोटे हैं लेकिन क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं उन पर ज़्यादा जोर देना है, तो आप स्मार्ट स्टडी कर पाएंगे और एग्ज़ाम को 100% क्रैक कर पाएंगे। 100% आपको सफलता जरूर मिलेगी विद्यार्थियों। उसके बाद आता है सबसे पहली जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब तक आपने देखा हमने लक्ष्य का निर्धारण किया, लक्ष्य का निर्धारण करने के बाद हमने सिलेबस को रटना है, सिलेबस को रटने के बाद पुराने पेपर को देखना है, किताबें ऑथेंटिक लेनी है, किताबें ऑथेंटिक लेने के बाद में हमें क्या करना है, हमें जो है जो आपके टाइम टेबल है समय सारणी है उसका निर्धारण पेपर के अकॉर्डिंग करना है कि कौन से पेपर में कौन से टॉपिक्स कितने नंबर के आ रहे हैं। 2 या 3 सब्जेक्ट को साथ में लेकर के चलना है, मजबूत पार्ट और कमज़ोर पार्ट को लेकर के चलना है। उसके बाद जो भाग छोटा है उस टॉपिक को ज़्यादा प्रेशर डालना है, ज़्यादा अच्छे से उसकी तैयारी करनी है ताकि उसमें से क्वेश्चंस आपके गलत नहीं हो सके। अब बात करते हैं आप जो किताबें पढ़ रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास करना है। कई विद्यार्थियों को मैंने देखा है, विद्यार्थियों 4 या 5 बुक एक दिन पढ़ते हैं लेकिन 4 या 5 दिन पढ़ने के बाद वे सोचते हैं कि ये बुक तो अच्छी नहीं है, इसमें से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि आप जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो विद्यार्थियों मान के चलना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिक पढ़ी ही रहे हैं तो उस पर पूर्ण विश्वास करना जरूरी है। आपको ये करना है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ बेस्ट पढ़ रहा हूँ और इसी में से क्वेश्चंस पुटअप होंगे, ये मान कर के आपको पढ़ना है। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं उसके प्रति पूर्ण विश्वास आपको रखना है विद्यार्थियों, ठीक है विद्यार्थियों। अब है उसके बाद है नोट्स बनाने चाहिए। कई टीचर्स भी कहते हैं और कई विद्यार्थी मेरे को मुझे ये भी कहते हैं कि बिना नोट्स बनाए भी सिलेक्शन लिया जा सकता है, लेकिन मेरा मानना यह है विद्यार्थियों कि नोट्स हमेशा आपको बनाए जाने चाहिए। नोट्स आपका एक अस्त्र है एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम में हम पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते लेकिन हमारे द्वारा लिखे हुए नोट्स हमेशा हमें याद रखते हैं। आज भी मुझे याद है जब मैं कक्षा 10th में थी तो एक क्वेश्चन जब आया वो मुझे याद नहीं आ रहा था लेकिन मेरा लिखा हुआ कौन सी कॉपी में किस पेज पे लिखा हुआ है उसके आधार पर याद आ जाता है, और कई बार हमें वो बुक की तस्वीर हमारे सामने आ जाती है विद्यार्थियों। इसलिए मेरा मानना यही है कि 3 या 4 पुस्तकों को पढ़े, टॉपिक वाइज पढ़े, पढ़ने के बाद में उनको समझे, समझने के बाद में क्वेश्चंस देखें कि यहाँ से कैसे सवाल पुटअप हो रहे हैं, और सवाल पुटअप हो रहे हैं उसके बाद अपने अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए और उन्हीं नोट्स के आधार पर स्मार्ट स्टडी आप कर पाएंगे। 100% आप सफल हो पाओगे विद्यार्थियों, आपको कोई नहीं रोक सकता। मंजिल तभी मिल सकती है जब आपका रास्ता अच्छा है, और रास्ता पर चलने वाला व्यक्ति अगर दृढ़ निश्चयी है तो सफलता आपके बहुत नज़दीक है विद्यार्थियों। तो सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, पढ़ना है, पूर्ण लगन के साथ पढ़ना है। अब एक आपको ध्यान रखना है, संतुलित भोजन आपको लेना है, संतुलित भोजन, कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है,
इन सभी स्टडी टेक्निक के माध्यम से विद्यार्थियों आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है, लक्ष्य का निर्धारण एक रखना है, एक ही लक्ष्य रखना है, अलग अलग लक्ष्य नहीं रखने हैं। कई विद्यार्थी मेरे सामने ऐसे भी आते हैं जो मुझे कहते हैं कि मैम पहले हम रीट का दे लें फिर स्कूल लेक्चर बनेंगे, या हम आरएस का तब देंगे जब राजस्थान पुलिस में एक बार हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। ऐसा नहीं है विद्यार्थियों कि आप नीचे से ऊपर पहुँचे, आप अपनी क्षमता को पहचान करके डायरेक्ट स्कूल लेक्चर का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, आप आरएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप क्या मानते हैं रीट का सिलेबस इतना कमज़ोर है कि हर व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, रीट का भी उतना ही हार्ड है जितना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हार्ड है। तो विद्यार्थी ये नहीं समझे कि हम रीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, पहले अपनी क्षमताओं को पहचानें, अपनी रुचियों को पहचानें कि हम किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, किस चीज़ को सिलेबस को पूरा देखें कि हम 60% या 70% हमको इस चीज़ की नॉलेज है। अपनी क्षमताओं का आकलन करके विद्यार्थियों लक्ष्य का निर्धारण करें। ये आज जो मैंने आपको स्मार्ट स्टडी के जो टिप्स दिए हैं उनको अगर आप जीवन में उतारेंगे विद्यार्थियों तो आप अवश्य सफल होंगे। आज का मेरा वीडियो ये मत समझना कि मुझे लाइक्स बढ़ाने हैं या कमेंट्स आप मेरे वीडियोस पे करो या मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। नहीं विद्यार्थियों, मैंने ये विद्यार्थियों आपके लिए इसलिए बनाया है कि जो विद्यार्थी 2 या 3 साल से लगातार मेहनत कर पा रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, उन विद्यार्थियों को मैं एक संदेश भेजना चाहती हूँ कि अगर आप स्मार्ट स्टडी के माध्यम से अध्ययन करेंगे तो आप सक्सेस होंगे, निराशा आपके जीवन से चली जाएगी, आप 100% सफल होंगे। और 100% सफल होने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। अगर औरों से आगे पहुंचना है, भीड़ से आगे निकलना है, अलग होना है, तो आपको विद्यार्थियों स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। तो आज मैंने आपको स्मार्ट स्टडी की जो टिप्स बताए हैं उनको आप सबको देखना है। नव भारती स्टडी सर्कल चैनल की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि ये संदेश मैं सभी विद्यार्थियों को पहुँचा सकूँ।